CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम चतुर खरगोश। आलेख मधुबी जोशी का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभुदयाल खट्टर। बहुत दिन पहले की बात है, एक जंगल में तालाब के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। वो सब मिलकर खूब खेलते कूदते, भूख लगती हरी हरी घास चरते, प्यास लगती तो तालाब का ठंडा पानी पीते और मस्त रहते। कैसा सुंदर जंगल उनका सारे जग से न्यारा, हरी भरी है घास वहाँ और ठंडे जल की धारा। जंगल ये उनको प्यारा, जंगल जग से न्यारा, जंगल ये उनको प्यारा, जंगल जग से न्यारा। यूं ही खाते पीते हंसते गाते खरगोश मजे से रह रहे थे। लेकिन एक दिन खरगोशों के इस न्यारे जंगल पर आफत आ गई। हुआ ये कि कहीं से हाथियों का एक झुंड जंगल में आ गया। हाथियों तो जंगल में घूमते रहते थे, लेकिन पानी पीने वो तालाब के किनारे ही आते थे। हाथी तो होते हैं बहुत बड़े बड़े और झूम झूम कर चलते हैं। ये बड़े बड़े हाथी जब झूमते झूमते तालाब पर पानी पीने आते तो बहुत से नन्हे खरगोश उनके पांव के नीचे आकर मर जाते। हाय ये कैसी आफत आई, मतवाले मस्ताने हाथी झूम झूम कर आते, नन्हे नन्हे खरगोशों पर जरा न दया दिखाते। कैसी शामत आई ये कैसी आफत आई, कैसी शामत आई ये कैसी आफत आई। खरगोश बेचारे बड़े परेशान थे। उन्होंने हाथियों से अपनी रक्षा के लिए कई उपाय सोचे। लड़ तो वो सकते नहीं थे। आखिर एक सभा बुलाई गई। सब खरगोशों ने एक एक करके हाथियों से अपनी जान की रक्षा के उपाय सुझाए। बहुत बहस के बाद एक बूढ़ा खरगोश हाथियों के सरदार के पास पहुंचा। नमस्कार महाराज गजराज। कहो कैसे आए। एक प्रार्थना सुनो हमारी, नन्हे खरगोश हम सदा रहे शांति से, खेले कूदे हरदम रोज तुम्हारे संगी साथी, पानी पीने आते पानी क्या पीते, अरे खरहों पर आफत ही ढाते। तो तुम क्या चाहते हो। गजराज जी हम चाहते हैं कि आप और आपके साथी पानी पीने का समय तय कर लें, ताकि हम लोग उस समय इधर उधर चले जाया करें और इस तरह मरने से बच जाएं। लेकिन हाथियों का सरदार बड़ा घमंडी था, बोला कहा तुम्हारा हम हाथी माने क्यों कर, क्या समझा है तुमने हमको अपना नौकर। हम जब मन आएगा तब पानी पिएंगे, तुम्हारे कहने से नहीं। चलो भागो यहाँ से। बूढ़ा खरगोश दुखी होकर चुपचाप लौट आया और हाथी उसी तरह मनमानी करते रहे। वो जब मन करता तब पानी पीने आते और रोज कई खरगोशों को पैरों से कुचल डालते। हाथी थे करते मनमानी,
जब भी करता मन ताल पे आकर पीते पानी, झूम झूम कर हाथी आते नित उनके पैरों के नीचे, खरगोश बेचारे कुचले जाते, खरगोश बेचारे कुचले जाते। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। खरगोशों के साथ एक छोटा सा खरगोश रहता था, मुन्नू। मुन्नू खरगोश खरगोशों को रोज ही हाथियों के पैरों से कुचलकर मरते देखता था। इससे वो बहुत उदास था और हमेशा सोचता रहता कि हाथियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। एक रात मुन्नू तालाब पर पानी पीने गया। आकाश में चांद चमक रहा था, हल्की हल्की हवा में तालाब का पानी हिल रहा था। तालाब के हिलते डोलते पानी में चांद की परछाई भी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि चांद कांप रहा हो। ये देखकर मुन्नू के दिमाग में एक तरकीब आई। वो खुश होता हुआ अपने घर आ गया। अगले दिन जब सब खरगोश इकट्ठे हुए तो मुन्नू बोला, खुश हो जाओ, मिलने ही वाला है हमको छुटकारा। अब फिर मस्त रहेंगे हम, आबाद होगा जंगल प्यारा, जंगल ये जग से न्यारा। मुन्नू की बात सुनकर खरगोश बड़े खुश हुए। अगले ही दिन पूर्णिमा थी। रात को आकाश में पूरा चांद था। मुन्नू अपने दोस्त घुन्नू के साथ पहले ही से तालाब के पास छुपकर बैठ गया। हाथियों का झुंड झूमता झूमता चिंघाड़ता, पेड़ों की डालियां तोड़ता तालाब के किनारे पानी पीने पहुंचा। अभी वे तालाब के पास पहुंचे ही थे कि एक आवाज आ रही। ठहरो। कौन हो तुम हमें रोकने वाले? मैं चंद्रमा का दूत हूँ, तुम्हारे लिए चंद्रमा का आदेश लाया हूँ। क्या आदेश है हमारे लिए? तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते, चंद्रमा तुमसे नाराज है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने चंद्रमा के बच्चों को मारा है। चांद बड़ा नाराज है तुमसे, तुमने की कैसी नादानी, मारे जाते हैं खरगोश जब तुम आकर पीते पानी। चांद बड़ा नाराज है तुमसे, चांद बड़ा नाराज है तुमसे, चांद बड़ा नाराज है तुमसे, चांद बड़ा नाराज है तुमसे। लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं? चंद्रमा आकाश से उतरकर तुमसे बात नहीं करेगा, लेकिन देखो तालाब के पानी में देखो, चंद्रमा क्रोध से थरथरा रहा है, कांप रहा है। हाथियों ने तालाब में देखा तो सचमुच चंद्रमा बुरी तरह से कांप रहा था। अब तो हाथी बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि चंद्रमा हमसे सचमुच बड़ा नाराज है, पता नहीं क्या कर दे। इसलिए वे चुपचाप वहाँ से चले गए। हाथियों के वहाँ से जाते ही सारे खरगोश अपनी अपनी छुपने की जगह से निकलकर आ गए और मुन्नू को शाबाशी देने लगे। बाद में पता है क्या हुआ? हाथी तालाब से पानी पी नहीं सकते थे। जंगल में कोई और नदी झरना था नहीं। जब वो प्यासे मरने लगे तो जंगल छोड़कर कहीं और चले गए। उसके बाद खरगोश सदा बड़े चैन आराम से रहने लगे। मुन्नू था खरगोश चतुर, पानी में दिखला कर चंदा की परछाई, कहा हाथियों से देखो तुम पर आफत आई, तुम पर आफत आई, भागे हाथी घबरा कर, भागे हाथी घबरा कर, भागे हाथी घबरा कर, भागे हाथी घबरा कर।
क्यों दोस्तों, पता लगा कि चतुर खरगोश ने किस तरह से अपनी जान बचा ली? क्यों, आया ना मजा इस कार्यक्रम में? हाँ, खूब मजा आया तुम्हें। अच्छा, अब तो तुम जानना चाहोगे कि अब हम तुम्हें क्या सुनवा रहे हैं। हाँ, अब भी हम तुम्हें एक प्यारा सा गीत खरगोश का ही सुनवा रहे हैं, नन्ना खरगोश का बच्चा। फिर नन्हा खरगोश का बच्चा उछल उछल कर दौड़ चला, वापस घर को भाग चला, वो शहर घूम कर भाग चला। बूढ़े दादा मुझे घुमा दो, टिक 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 सैर करा दो। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।